पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन ने शिमला, मुलाना, खोतपुरा, मंचूरी सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। खोतपुरा गांव में जैन के समर्थक में सैकड़ों की संख्या में जनसमूह उमड़ा। विजय जैन का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर विजय जैन को लोगों ने ढेर सारी बधाइयां दी, जिस पर जैन ने सभी का धन्यवाद किया। जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा केक मंगवाया, जिसे विजय जैन ने गांव के बुजुर्गों और एक छोटी सी बच्ची से कटवाकर अपना जन्मदिन ग्रामीणों के बीच में मनाया। जैन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही उन्हें टिकट ना मिली हो, लेकिन सर्व जातीय पंचायत के बैनर तले मुझे हल्के की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जैन ने कहा कि इतना समर्थन देखकर मुझे यकीन है कि जनता ये चुनाव मुझे जितवाएगी। जय जवान, जय किसान, जय किसान, तेज भाजपा, जय जवान, जय किसान। मेरे बहुत ही सम्मानित, मेरे अपने इस गांव को पूरा के मेरे पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान का स्वरूप, छोटे छोटे बच्चों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। ये गांव तो मेरा अपना गांव राजवीर जी, मैंने मेरे पड़ोस में आपके यहाँ अलीपुर में फैक्ट्री आई है, सील पे लगभग 15 साल से मेरा यहाँ कारोबार है और आप लोगों को बदौलत ही कारोबार मेरा बना है। क्योंकि पहले इस रोड पे बड़े हादसे होते थे, जब हम तनख्वाह बांटते थे तो कुछ लोग तनख्वाह छीन के ले जाते थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ खुद पूरा गाँव वालों ने वो रक्षा की है। आधी रात की कोई बैंक में किले के लिए चल रहा है, उसको कोई दर्द नहीं है, खुद बहुत बड़े। दोस्तों, चुनावी माहौल है, सभी की मिनट आपके पास आए। मेरा टिकट एन मौके पर कट गया है, रात को 11 बजे तक बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरी टिकट के लिए डटे रहे हो और जो मेरे को जानकारी मिली अंदर से लाल पीले हो गए हो, वहां पे अजय बादल जी भी बैठे थे, केशव जी, वेणुगोपाल जी भी बैठे थे, लेकिन षड्यंत्र के तहत जब रात 2 बजे टिकट कटा मेरा, लोगों को 3 बजे तो पता लगा कि टिकट कट गया जैन साहब का, तो सुबह कार्यालय में 5 बजे 6 बजे कार्यकर्ता साथ आने शुरू हो गए। टिकट कटने का भी दुख था मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख था जो मेरे कार्यकर्ता साथी पूरा ग्रामीण एक आस लगाए बैठा था कि उनका बेटा उनका भाई भी विधानसभा में पहुंच करके आवाज उठाएगा, अब क्या होगा। मैं वहां पर गया, सभी कार्यकर्ता साथियों ने मुझे हौसला दिया, उत्साह दिया और कहा भाई विजय आपको ना थकना है ना रुकना है, हौसला बहुत मिला, हौसला आया। मैंने भी अपने कार्यकर्ता साथियों से कहा कल भी मैं आपके साथ था, आज भी मैं आपके साथ हूँ और आने वाले दिनों में भी आपके साथ था। जिस तरह से मेरे कार्यकर्ता साथियों ने हौसला दिया, उन्होंने एक ही फैसला लिया कि आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव में 36 विधानसभा का चुनाव सर्व जातीय पंचायत के बैनर के लिए चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा आपको सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल करना है, बच्चा बनना है, आपका चुनाव 36 विधानसभा पूरा पानी जिला का चुनाव लड़ेगा और इसमें कोई शक नहीं, मेरे आदरणीय मेरे बुजुर्ग भी बैठे, मेरे नौजवान साथी भी हैं यहाँ पे, मैं दावे के साथ कहता हूँ चुनाव लेना चुनाव नहीं है, 36 विधानसभा चुनाव पूरा पानी जिला चुनाव लड़ना है।